حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، خصوصا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اس آیت کے ذمن میں کل کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں نے پیش کی، عرض کیا گیا تھا کہ اطاعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اطاعت اختیاری ہے اور دوسری اطاعت جبری ہے۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہیں، ملائکہ ہوں یا زمین و آسمان، چاند سورج، ہر مخلوق اس کی اطاعت جبری کر رہی ہے۔ ہمارے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم اس کی اطاعت جبری کرتے ہیں، وہ ہمیں جہاں بھیج دے ہمیں آنا پڑے گا، جب بلا لے ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ ہم آنے میں بھی بااختیار نہیں، جانے میں بھی بااختیار نہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو آج کی مجلس کا پہلا جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ جہاں بھیج دے ہمیں آنا پڑے گا، جب بلا لے جانا پڑے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے ہمیں اپنے باپ کے گھر میں بھیج دے یا کسی کو اپنے گھر میں بھیج دے، ہمیں اختیار نہیں ہے۔
वो जिसे जहां चाहे भेज दे, जिसके घर चाहे भेज दे, जिस शहर में चाहे भेज दे, जिस खानदान में चाहे भेज दे। हम नहीं उसे कह सकते कि मुझे सैयद के घर में भेजो, मुझे बलोच के घर में भेजो, मुझे अराई के घर में भेजो, या जो जो भी दुनिया में कास्ट है। हम आने में भी मजबूर, जाने में भी मजबूर। अब किसको उसने अपने घर में भेजा और क्यों भेजा? अब जुमला आ गया, तुम अस्तर देशवान मेरे दादा हम कहा करते थे, क्यों अल्लाह ने अली को अपने घर में भेजा? क्योंकि पूरी कायनात में बतूल का कोई सामी था नहीं, और अल्लाह ने अली को अपने घर में भेजा ही इसीलिए। अगर जिंदगी में किसी जगह पर मादर हसनैन अली से के कह दे या अली बतूल, तो वो है कि जो रहमत लिल आलमीन के घर में पैदा हुई है, तो मेरा बंदा अली भी खामोश ना रहे, सर उठा के कहे बतूल अगर तू रहमत लिल आलमीन के घर में पैदा हुई है तो अली वो है जो रब्बुल आलमीन के घर में पैदा हुई है। इताअत बुनियादी तौर पर अल्लाह की है। आयत में तीन इताअतों का जिक्र है, लेकिन बुनियादी तौर पर इताअत अल्लाह की। इंशाल्लाह आइंदा मजालिस में इस पे कोशिश करूंगा, कुछ गुफ्तगू करूंगा। अब जिसकी इताअत की जाए उसकी मारफत जरूरी है। जिस जात की, जिस हस्ती की हम इताअत कर रहे हैं, पहले जरूरी है कि उसकी मारफत हासिल करनी चाहिए। अब इताअत तीन है, पहली इताअत अल्लाह की है। अब जरूरी है कि हम अल्लाह की मारफत हासिल करें। अमीरुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, मौला अगर कोई दीन की इब्तिदा करना चाहे तो वो कहां से करे? अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, अव्वल दीन मारफतु, दीन की इब्तिदा उसकी मारफत से। अब उसकी मारफत हासिल कैसे करे? मौलाना मौजूद है, किसी चीज के बारे में मालूमात लेनी हो, किसी चीज की मारफत हासिल करनी हो, हमारे पास पांच तरीके मौजूद हैं। किसी भी चीज की मारिफत हासिल करनी है, किसी चीज के बारे में जानना है, हमारे पास पांच तरीके हैं जिससे हम किसी चीज की मारिफत हासिल कर सकते हैं। या हम उसे देख के पहचान सकते हैं ये कौन है, या उसे सुन के पहचान सकते हैं ये कौन है। मसलन मैं कमरे में बैठा हूं, जाकिर साहब पढ़ रहे हैं, मैं इनकी आवाज से आशना हूं, जब ये पढ़ेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि जाकिर साहब पढ़ रहे हैं। या उसे लम्स करके हम पहचानेंगे ये कौन है, या चख करके पहचानेंगे, बोला कि हवास खमसा आपके सामने है, इनके जरिए से कुव्वत बासरा, कुव्वत सामिया, शामिया, लामसा, ये सारी चीजें। इन पांच तरीकों से हम अगर किसी की मारिफत हासिल करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, तुझे ना देख सकते हैं, ना तुझे सुन सकते हैं, क्योंकि जो देखा जाए वो अमल नहीं होता। थोड़ी सी मुश्किल सुबू है, लेकिन आपको लुत्फ आएगा। जो देखा जाए वो अमल नहीं हो सकता, जो सुना या चखा जाए वो भी अमल नहीं हो सकता। अब तेरी मार्फत है कैसे हासिल करे? दुआए मशहूर के जुमले हैं, या मन होगा ला यालमु इल्ला हुवा मा ऐना हुवा बहसो हुवा। ऐ वो जात के जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि तू कौन है, तू क्या है, सिवाय तेरे तुझे कोई नहीं जानता। तवज्जो है, तमीनी गुफ्तगु है, अगर आपने तवज्जो की तो इंशाल्लाह लुत्फ लेंगे कि ऐ जात के तेरे बारे में सिवाय तेरे कोई नहीं जानता कि तू कौन है। अब उसे जानना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब यहां पर अल्लाह ने कोशिश की है कि बंदों को अपनी पहचान कराए, वसीला भेज दिया। अब मुझे जुमला याद आते आए, कब भी मैंने जैदी साहब का जुमला अर्ज किया था, मेरे मौजू के मुताबिक नहीं है, मैं अर्ज कर देता हूं। वो फरमाया करते थे कि मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह तूने मेरे ऊपर नमाज वाजिब कर दी, रोजे वाजिब कर दिए,
होम्स वाजिब कर दिया, तुझे सुबह उठ के ठंडे पानी से वजू करना पड़ता, फिर मैं उसका इतना मुश्किल है नमाज पढ़ना, तुझे सारा दिन भूखा रहना पड़ता, फिर मैं पूछता रोजा रखना कितना मुश्किल है, तुझे अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत किसी मौलवी को देनी पड़ती, फिर मैं पूछता कितना मुश्किल है। जैदी साहब बताते हैं, जब मैंने अल्लाह से ये सवाल किए, आवाज एक कुदरत आई, ऐ मेरे बंदे हिजाम ना कर, ठीक है मुझे नींद नहीं आती, ठीक है मुझे दौलत से मोहब्बत नहीं है, ठीक है मुझे भूख नहीं लगती, ठीक है मैं पैसे नहीं देता, लेकिन मैंने अपनी शनाख्त और मार्फत के लिए कुछ ऐसी हस्तियां खा की है जिन्हें भूख भी लगती है लेकिन तीन दिन रोजे रखते हैं, जिनके पास मार्फत दौलत भी है लेकिन सब कुछ दे देते हैं, जिनके पास तमाम मेरे अख्तियार भी मौजूद है, जन्नत का मैंने उन्हें मालिक बना दिया है, उसके चाहता है उसको बयान किया जाए।
अल्लाह वो है कि जो वाजिब और वजूद है, और हर वो सिफत जो उसके लायक हो उसमें है, और हर वो बुराई जो उसके लायक नहीं उसमें ना हो, ये है तारीफ अल्लाह की। माशाल्लाह, समझ आ गई है। जरूरी है कि मारफ अहले बैत, मैं पिछले साल भी अर्ज़ कर रहा हूं, मौलाना भी फरमा रहे हैं, ये हस्तियां उसकी पहचान शनाख्त और मारफत के लिए आ गई। तो वो तौहीद जो अली ने हमें बताई है, वो तौहीद हमें समझनी चाहिए। अल्लाह वो है जो वाजिब और वजूद है, वजूद है, हर वो अच्छाई, हर वो खूबी जो उसमें होनी चाहिए और हकीकत में वो खूबी हो वो उसमें है, हर वो बुराई के जो हकीकत में भी बुराई है और उसमें ना हो और नहीं है, उसे अल्लाह कहते हैं। नारे हैदरी। अब आपकी तवज्जो हो गई है, मैं गुफ्तगू आसान हो गया। लफ्ज अल्लाह को खुद अल्लाह ने मुकद्दमतुल किताब में बयान किया। मुकद्दमतुल किताब से कहते हैं, मौला मौजूद है, सूरह अलहम को मुकद्दमतुल किताब कहा गया है। तवज्जो कीजिएगा, जवान मेरे भाई है, मुकदमा मौलाना आप जानते हैं, जब कोई किताब लिखने वाला किताब लिखता है, वो किताब लिखने के बाद उस किताब का एक खुलासा करके लिख देता है, उसे कहा जाता है मुकदमा तो किताब। इसलिए वो ये मुकदमा लिखता है कि अगर कोई इस किताब को पढ़ने वाला किताब ले और पढ़ना चाहे, अगर उसके पास टाइम ना हो, वक्त ना हो, जैसे कि हमारे पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, ये इंशाल्लाह एक और बात है, हम कुरान नहीं पढ़ते, हमारे पास हर चीज का वक्त है, कुरान का वक्त नहीं है, अगर वो किताब नहीं पढ़ सकता, मुकदमा जो किताब को पढ़े तो वो समझ जाएगा मुसन्निफ ने पूरी किताब में क्या लिखा है। ये है मुकदमे की तारीफ, समझ आ गई है। और मैं इसको अपनी तरफ से मुकदमा जो किताब नहीं कह रहा, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, पूरी किताब का इल्म अलहम में है, अलहम का इल्म बिस्मिल्लाह में है,